निश्चित रूप से जमशेदपुर, जहाँ पर हम लोग सबसे कमजोर अपने को समझते थे, आज जमशेदपुर का हवा नहीं वहाँ पर आ रहा। जनता का समर्थन जिस तरह से आ रहा है, कामों को लोगों तक बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं और मांग रहे वोट दीजिए हम लोग को और इंडिया गठबंधन को, ताकि हम लोग सब कोई मिल के कानून का रक्षा करेंगे, संविधान का रक्षा करेंगे और साथ ही साथ आरक्षण का भी रक्षा करेंगे। पोटका में समीर मोहंती का तूफानी दौरा। जमशेदपुर लोकसभा सीट के इंडिया गठबंधन प्रत्याशी समीर मोहंती ने शनिवार को पोटका विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में गांव-गांव तक जनसंपर्क अभियान चलाया। वहीं पोटका विधायक संजीव सरदार के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं संग गांव में प्रवेश किया। इस दौरान प्रत्येक गांव में पारंपरिक तरीके से प्रत्याशी का जोरदार स्वागत किया। वहीं क्षेत्र की जनता से इंडिया गठबंधन के पक्ष में तीर धनुष छाप में वोट कर भारी मतों से विजय बनाने की अपील की। इस दौरान समीर मोहंती ने भाजपा की केंद्र सरकार मोदी की गारंटी को झुमला कहा है। उन्होंने कहा, झारखंड सरकार गरीब आदिवासी मूलवासियों की पार्टी है जो हर वर्ग को साथ लेकर चलती है। झारखंड सरकार ने हर गरीब को योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य किया है, लेकिन भाजपा ने केवल लोगों को गुमराह किया है। इसलिए इस बार जनता जाग चुकी है और 25 मई को इसका जवाब अपने मत का प्रयोग कर करेगी। लोकसभा चुनाव और 6 से 7 दिन रह गया है और जमशेदपुर लोकसभा सीट से समीर महांती यहां से खड़े हुए हैं और दौरा कर रही है, जनसंपर्क अभियान कर रही है। दौरान अभी अभी एक माथू गांव में भी अभी हम पहुंचे जहां पर समीर महांती जी यहां पहुंचे हैं। अभी तक अपार समर्थन, अपार जनमत के लिए लोग तैयार हो रहा है और निश्चित रूप से हम चुनाव का नॉमिनेशन फाइल का पहले हम सोच रहे थे कि चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन आज हमको पता चल रहा कि हम कितना गलत कर रहे थे। अपार समर्थन, ये तो गांव है या हम लोग का है, संदीप बाबू यहाँ का MLA है और बेहतर ढंग से 4 साल में लोगों के बीच हर सुख दुख में खड़ा हुआ है, हर विकास का काम यहाँ पर पहुँचाने का काम किया। हमारा साथ इसका काम में लड़ाई होता है, मैंने कॉम्पिटिशन, हम कॉलेज करेंगे तो ये कॉलेज ले लेगा, हम पार्क करेंगे तो एक ठो करेंगे तो दो ठो करेगा, हम लोग का काम में कॉम्पिटिशन आ रहा, हम लोग का रिश्ता भी बहुत मधुर है। और निश्चित रूप से जमशेदपुर, जहाँ पर हम लोग सबसे कमजोर अपने को समझते थे, आज जमशेदपुर का हवा नहीं, वहाँ पर आंधी चल रही है। लगातार 2 बार यहाँ से सांसद रह चुके विद्युत गढ़ माथो, कितना चुनौती भरे लगा? 10 साल चुनौती क्या है, 10 साल लोगों के बीच आया ही नहीं, 10 साल में कोई बड़ा काम नहीं किया है, चुनौती का क्या है? वो बोल रहा कि हम ये 4 लेन बनाए, हम बोले भाई 4 लेन तो बनाया है हमारा, बुडर बोरागुड़ा के उधर कौन 4 लेन बनाए, न तो तुम बनाया। बोला कि स्टेशन बनाए, हम बोले ठीक है आप चकुलिया स्टेशन हमारा है, आप बनाए घाटशिला बनाए, लेकिन झड़का मुर्गीदनी को कौन बनाए ये भी जवाब दो। भाई देश का प्रधानमंत्री मोदी जी वो हमारे बाप है, इस राज्य का बाप है, वो भारत का विकास नहीं करके क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश का करेगा? हाँ, इसीलिए कोई काम नहीं किया है, ना लोगों के बीच किया है, ना लोग जानता है, जितना जगह पर बोलता है 10 साल में देखे ही नहीं, शहर में लोग नहीं देखे जहाँ शहर में रहता है। लेकिन हम लोग ये 4 साल में हमारा विधानसभा में एक भी आदमी नहीं घूम पाएगा कि हमारा गांव 4 बार 6 बार 10 बार नहीं आया, हमारा दुख में तकलीफ में ये आदमी को नहीं मिला और विकास का भी जो काम किए हैं वो भी हम लोगों ने लकीर खींच दी है। दुख को लेकर कितना आशा है? देखिए जनता का समर्थन जिस तरह से आ रहा है, जनता अगर आशीर्वाद करेंगे तो निश्चित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के स्थानीय विधायक भी और उसी के क्षेत्र में आज यहाँ दौरा किया जा रहा है, तो इस दौरान संजीव सरदार जी भी हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, ये आपका अपना विधानसभा क्षेत्र है, लगातार कई दिनों से दौरा किया जा रहा है, क्या लग रहा है? देखिए वर्तमान समय में हमारे इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है, बड़ा बड़ा विधायक माननीय बड़े वाइस प्रेसिडेंट जी, उनके को लेकर हम लोग दूर दूर हर गाँव में चुनावी दौरा कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि भारत की सरकार जो BJP की सरकार रही 10 साल में, खाली जुमलाबाजी किया, यहाँ तक करने का काम किया, बेरोजगारी को, किसान को, महंगाई को लेके, क्योंकि रोजगार को लेके हर क्षेत्र में हर तरह के लोगों को ठगने का काम किया। वर्तमान स्थिति ये हो गया, पढ़ाई लिखाई गांव में और हर डिग्री हरी, लेकिन अभी वर्तमान समय 5,000 तक की नौकरी मिला। अब देखिए 10 साल में कहीं नौकरी नहीं दे पाया, कोई एक ऐसा है जो अभी बेरोजगारी इतना बड़ा समस्या है, सारे बातों को लेकर साथ साथ हमारे सरकार झारखंड में जो आई है 19 साल में झारखंड की जनता ने डबल इंजन सरकार को, जो भाजपा का भी दो जगह था जो कि समझ के हाथी उड़ाने वाला सरकार, रघुवर सरकार को यहाँ को
उठा के फेंकने का काम किया। उसके बाद हमारे झारखंड में मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार को लाने का काम किया हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, जो कि यहाँ कोई जनकल्याणकारी योजना और उनके साथ साथ देखा जाए कोई नीति सिद्धांत कानून बनाने का जो काम किया है, ये झारखंड होने के बाद पहली बार इस झारखंड में हो रहा है। इस सारे कामों को लोगों तक बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं और मांग रहे वोट दीजिए हम लोग को और इंडिया गठबंधन को, ताकि हम लोग सब कोई मिल के कानून का रक्षा करेंगे, संविधान का रक्षा करेंगे और साथ ही साथ आरक्षण का भी रक्षा करेंगे और आने वाला पीढ़ी का भी रक्षा करेंगे और हर समाज का रक्षा करेंगे और हर गांव को विकास करेंगे। यही आशा भरोसा से हमें वोट दीजिए और हम लोग विकास करेंगे।